महाराणा प्रताप आदर्श राजकीय महाविद्यालय अंब में जीएसटी को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपमंडल अंब के सभी व्यापारियों को जीएसटी के तहत आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई तथा व्यापारियों से जीएसटी के विषय में सुझाव मांगे गए। ईटीओ अंब अनिल धीमान ने व्यापारियों को विस्तार से जीएसटी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी एक बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, पूरे देश में वस्तु पर एक ऐसा जैसा कर रहे हैं। इस मौके पर ईटीओ अंब अनिल धीमान, ईटीओ गगरेट अनिल कुमार, ईटीआई अंब अनिल सोनी, ईटीआई सुरेश कुमार, व्यापार मंडल के प्रधान कुलदीप शर्मा, कपिल सूद तथा काफी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। आज हिमाचल प्रदेश के राज्य कर एवं आबकारी विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश के स्तर पर जीएसटी के ऊपर अवेयरनेस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो भी जीएसटी के स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे खास करके जो टैक्स पेयर हैं, उनके लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें कि अभी हाल ही में जीएसटी में हुए बदलाव उनको अवगत करवाना है, जीएसटी में आ रही दिक्कतों से उनके साथ रूबरू होना है। इसी के सिलसिले में चलते हुए आज हमने इस कार्यक्रम का आयोजन राजकीय महाविद्यालय अंब में किया है। मेरे साथ सहायक आयुक्त गगरेट हैं और बाकी सहायक आयुक्त अंब हैं रजनीश डोगरा जी। तो आज हम रूबरू होंगे अपने टैक्स पेयर से, अकाउंटेंट से, और उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे और उनको बताएंगे कि आज हमारे जीएसटी में शुरू से लेके क्या क्या बदलाव आ गए हैं और आने वाले समय में सरकार ने और करदाताओं की सहूलियत के लिए इसमें क्या बदलाव करने के निर्णय लिए हैं। साथ ही में हम अपने करदाताओं की शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे पास दोनों ACSTs भी उपलब्ध हैं। तो आज इसके बारे में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए अंब से अविनाश चौहान की रिपोर्ट।